हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के सब्जेक्ट के बारे में। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बुक भी दिखाऊंगा, बुक के अंदर का कंटेंट भी दिखाऊंगा कि कैसे जो राइटर्स होते हैं सिलेबस को एक्सप्लेन करते हैं, टर्म्स को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है वो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट होता है बी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में। जो सेकेंड सेमेस्टर में सबसे ज्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, क्योंकि इसके अंदर हम थ्योरी की भी स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल की भी और स्ट्रक्चर्स की भी। और स्ट्रक्चर्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिस्ट्री के अंदर। अगर आप केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स नहीं बना के आते हैं पेपर्स में या फिर आपके एग्जामिनेशन में, तो बहुत कम मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फार्मास्यूटिकल्स में और आपकी एकेडमिक लेवल में, क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिक जानना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो बुक है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बेसिक को एक्सप्लेन करेगी कि आगे जाके आप स्टडी करेंगे केमिस्ट्री की तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपको अच्छे से फॉर्मूले स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक आपका कंप्लीट होगा केमिस्ट्री का, तो आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप किसी भी तरीके का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर केमिकल को मर्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये जानना भी ज़रूरी कि कौन सा केमिकल मिसिबल है, कौन सा इमिसिबल है। अगर क्रीम में पैराफिन मिलाते हैं तो क्या रिएक्शन होगा, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है केमिकल्स के लिए। तो हमें केमिकल की स्टडी भी करनी है और केमिकल की थ्योरी को भी पढ़ना है, और साथ ही साथ हमें उसके प्रैक्टिकल भी करने होते हैं लैब के अंदर। तो मैं आपको सबसे बेस्ट बुक दिखाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो हमें बी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे से मार्क्स भी आ सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और अच्छे से हमें समझ भी आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उससे पहले अगर आपको कुछ भी मुझे इंस्टाग्राम पे पूछना होता है तो आप मुझे DM कर दिया करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करने से चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो यह है हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक, यहाँ पर लिखा हो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, और जो इसके राइटर्स हैं, पहले राइटर का नाम है डॉक्टर KS जैन और दूसरे राइटर का नाम है डॉक्टर PB मिनियर और जो लास्ट राइटर है मतलब कि तीसरे राइटर डॉक्टर LV नागदुंड। तो तीन राइटर्स ने इस एक बुक को लिखा, और जो उसके पब्लिशर है वो है निराली प्रकाशन ने इस बुक को पब्लिश किया। और यहाँ पे लिखा हुआ एज पर PCI रेगुलेशन फर्स्ट ईयर बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर, तो PCI के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस सेट किया गया है। तो सिंप्लीफाइड सिलेबस, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये बुक समझाती है। तो अब हम इसके अंदर का कंटेंट देखें कि किस किस तरीके से सिलेबस को बताया जाता है यूनिट वाइज। तो यह है हमारा कंटेंट। तो यह है हमारा कंटेंट यूनिट वाइज में बताया जाता है क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म में। फिर टॉपिक हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। फिर हमारा आता है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर आता है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ओनली। फिर आता है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हेलोजन ओनली। फिर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हेलोजन ओनली। फिर आता है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन। तो फिर आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरल रूल्स। फिर हमारा आता है आइसोमेरिज्म, उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फिर हमारा आता है स्टीरियोसोमेरिज्म। फिर लास्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं हमारे यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड। फिर आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में समझते हैं एल्काइन्स को, इंट्रोडक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कलीन्स। फिर हमारा आता है यूज ऑफ पैराफिन्स एल्कलीन्स। फिर हमारे लास्ट में क्वेश्चन। फिर चैप्टर 3 में आते हैं एल्काइन्स में, हमारा आता है टॉपिक इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन्स, एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप, द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन। फिर आता है ऑरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन, कंपैरिजन ऑफ E1, E2 and E1CV रिएक्शन। ओजोनोलिसिस के बारे में समझते हैं। फिर हम एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में समझते हैं। फिर हमारा आता है द मार्कोनोफिक्स ऑरिएंटेशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फिर लास्ट में हमारे इसमें भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। फिर चैप्टर 4 में पढ़ते हैं कंजुगेटेड डाइन्स के बारे में, इंट्रोडक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स, डाइलेल्डर रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं इसमें एलिक रीअरेंजमेंट। फिर लास्ट में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। फिर यूनिट 3 में हमें बताया जाता है चैप्टर 5 में एल्काइल्स हैलिड्स के बारे में,
इंट्रोडक्शन, जनरल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलिड्स, फैक्टर अफेक्टिंग S1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, सब्सटीट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ सम एल्काइल हैलिड्स डेरिवेटिव। फिर लास्ट में क्वेश्चन, फिर एल्कोहल्स के बारे में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, फिजिकल क्वालिटेटिव टेस्ट, स्ट्रक्चर, यूजेस ऑफ सम एल्कोहल, फिर लास्ट में क्वेश्चन। फिर हमारा 4 आ जाता है, यूनिट 4 में हम पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड कंडेंसेशन रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप। फिर हमारा आता है एसिटल प्रिपरेशन एंड यूजेस, एडिशन ऑफ एल्कोहलिक टू CO, एडिशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सम रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लोज एल्डोल कंडेंसेशन, कनिजारो रिएक्शन, क्लोज कनिजारो रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, पार्किन रिएक्शन। फिर हमारा आता है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, 2,4-DNP टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिर आता है टोल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड जोन्स, क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन्स। फिर आता है हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सम कार्बोनिल कंपाउंड। फिर लास्ट में हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, आगे देखते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में हमें बताया जाता है चैप्टर 8 में कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एरोमेटिक एंड अल्फैटिक के बारे में, इंट्रोडक्शन, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी, एडैप्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। फिर लास्ट में क्वेश्चन। चैप्टर 9 में आते हैं एलिफैटिक अमीन्स को पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमीन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सम अमीन्स। फिर लास्ट में हमारे क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम चैप्टर्स की तब देखते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट में हमें बताया जाता है टॉपिक क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म के बारे में। यहाँ पे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू नो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑब्जेक्टिव हमारे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड एलिमेंटल कंपोजिशन। तो ऐसे करके हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, 7 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। और आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ फ्लो चार्ट बताए गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज भी हमारा अच्छे से समझाया जाता है, फ्लो चार्ट से भी हमें समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, हमें अच्छे से समझाया गया नोमेनक्लेचर एज पर फंक्शनल ग्रुप, कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो जनरल फार्मूला, एग्जांपल IUPAC नेम, रिमार्क सफिक्स, जनरल कॉमन नेम, रिमार्क सफिक्स, प्रीफिक्स। तो अच्छे से समझाया गया। ये देखिए यहाँ पर हमारा हेलो एल्कनीस के बारे में बताया जाता है, हाइड्रोक्सिल ईथर, एल्डिहाइड, तो सब बेसिक यहाँ पे बहुत अच्छे से ये बुक हमें समझाती है। तो स्ट्रक्चर्स मेन होते हैं, मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चर मेन होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब किया गया है और अच्छे से हमें दिख भी रहे हैं। ये देखिए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पे हमें बताया जाता है आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टेरियोमर्स के बारे में आइसोमेरिज्म, चेन फंक्शनल पोजिशनल मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म के बारे में, ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बताया गया है और एग्जाम्पल दे दे के हमें समझाया जाता है। यहाँ पे ये देखिए हाइड्रोक्सी टू पेंटोइन के बारे में अच्छे से बताया गया है, राइटिंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर्म द गिवन IUPAC नेम। तो थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन आपको अच्छे से इस बुक के अंदर समझा दे। तो ये थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक, आई होप आपको ये बुक अच्छी लगी हो क्योंकि ये सबसे बेस्ट बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टफ सब्जेक्ट होता है, सबको समझ नहीं आता है। तो मैंने सबसे बेस्ट बुक आपको दिखाई है, मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया था, आप इसको ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको ये बुक आपके मार्केट में मिल जाती है। और ये बुक सिर्फ 170 रुपये की बुक है, ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, इसकी कंटेंट थ्योरी के हिसाब से जिस तरीके से ये बुक हमें समझाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो आप दोस्तों के साथ में भी इस बुक को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में कि उन्हें भी पता चल जाए और उनकी भी हेल्प हो जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस जाके कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।